सिल्ले खिलाफ जिहाद कंदड़ महाराज सुखराम दास गुजर ऐं महाराज दीपचंद की हुज। ही लेख गुल हसन कलमती साहब लिखियो आहे। गुल हसन कलमती साहब मुसलसिल सिंध जी तारीख ते कम करे रहा आहिनि, पर ख़ासि तरह कराचीअ जे हवाले सां हुन जो कमु तमामु घणो आहे। संदसि किताब सिंध जी मारी कराची हिकु ज़ख़ीम किताब आहे ऐं कराचीअ जे मामले में एतिरी मालूमात ॾिनी आहे त जॾहिं असां इहो सम्झंदासीं त कराची त ॼण पाकिस्तान ठहण खां पोइ उसरियो आहे, पर हिन किताब असांखे इहो अहसासु ॾियारियो त कराची त असुल असांजी आहे। उन खां अलावा खोड़ ॿिया किताब संदसि लिखियल आहिनि। ही लेख संदसि ई हिकु किताब कराचीअ जा लाफ़ानी किरदार मां वरितल आहे, जेको ऊजा सेनिटोरियम जे बाननि जे बारे में आहे ऐं हिकु भरपूर मालूमाती आहे। तव्हां जे लाइ हुन जो ही लेख अॼु असां पेश करे। कराचीअ जे यूनिवर्सिटी रोड ते मौसमियात बस स्टॉप जे वेझो कराचीअ में मौजूद सिल यानी टीबीअ वारी अस्पताल जा छो सॾियो वेंदो आहे? बैनुल अक़वामी तौर मञता माणींदड़ सिल जी हीअ अस्पताल हाणे डाओ अस्पताल ऐं डाओ यूनिवर्सिटी सां ॻंढियल आहे, पर जॾहिं हीअ उन जाइ ते क़ाइमु पई थिए तॾहिं उन जे भर पासे में रुगो चंद ॻोठनि खां सवाइ पूरो इलाइक़ो छंग हुई। हितां नंढा नंढा पेचरा कराचीअ जे शहर मंगोपीर कडाप मलीर ऐं थाणे भोला खंडा वेंदा हुआ। मलीर कैंट जो उन वक़्तु को बि वजूद न हो। उन दौर में हिते पहुचण लाइ सुवारीअ जी बि का सहूलियत न हुई, पर सलाम आहे उन जज़्बे खे जंहिं ॾुखियो इंसाननि लाइ ऐं इंसानियत जे लाइ अहिड़ो लाज़वाल कमु कयो जो अञा बि सवें सालनि ताईं लखे सिल जा मरीज़ हितां चङा भला थींदा रहंदा। इंसानियत जी ख़िदमत जा अहिड़ा मिसाल दुनिया में घटि मिलंदा आहिनि, ऐं उहो बि उन दौर में जॾहिं अहिड़नि इदारनि क़ाइमु करण लाइ का सहूलियत न हुई। पर हिननि इंसान दोस्तनि नामुमकिन खे मुमकिन कयो ऐं ऊंदहि में जोत जलाए पंहिंजो नालो हमेशह लाइ अमर करे छॾियो। इन इदारे जो नालो दीपचंद टी ऊजा इंस्टीट्यूट आहे ऐं इहो इदारो क़ाइमु करण वारो महाराज सुखराम दास ऊजा आहे, जेको महाराज दीपचंद टी ऊजा जो नंढो भाउ। दीपचंद टी ऊजा बीए जी डिग्री डीजे कॉलेज कराची मां हासिल कई। पंहिंजे समाजी ऐं सियासी ख़िदमतुनि जी शुरूआति कराची म्यूनिसिपलिटीअ मां चूंडियल मेंबर तौरु कई हुई। 1910 वारनि बलदियाती चूंडियुनि में दीपचंद ऊजा काउंसलर चूंडिजी आयो। उन दौर में कराची म्यूनिसिपलिटीअ में 22 चूंडियल मेंबर ऐं 11 थापियल मेंबर हुआ। पंहिंजे काउंसलर दौरान हिन जो सॼो ध्यानु सिहत पासे हूंदो। काउंसलर हुअण वारे अर्से ख़ासि करे लियारी हिजरी ऐं खारेदर में क़ाइमु डिस्पेंसरीनि जे कमेटियुनि जो हू मेंबर हूंदो। दीपचंद ओझा जो घणो ध्यानु सिल जे ग़रीब मरीज़नि ॾांहुं, छाकाणि त पूरी सिंध में सिल जे इलाज जो को जोॻो बंदोबस्तु न हूंदो हो ऐं हू कराचीअ जो म्यूनिसिपल वाइस प्रेसिडेंट बि रहियो। 1921 में कराची म्यूनिसिपलिटीअ जो 10 साल लाॻीतो सदर रहंदड़ हरचंद राय विशनदास जॾहिं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में सिंध जे नुमाइंदो तौरु चूंडिजी वियो त 20 अप्रैल 1921 खां कराची म्यूनिसिपलिटीअ जे काउंसिल जो इजलास रहियो वियो, जेको हरचंद राय जो आख़िरी इजलास हो। उन इजलास में हुन सदारती सीट तां इस्तीफ़ा ॾिनी ऐं काउंसिल में हिकु ठहराउ पास करे संदसि ख़िदमतुनि ते खेसि ख़राज तहसीन पेश कयो वियो। उन इजलास में ॿियनि सां गॾु महाराज दीपचंद ऊझा बि तकरीर कई हुई, जंहिं में हुन हरचंद राय जी ख़िदमतुनि खे ख़राज तहसीन पेश कयो। सियासी ऐं समाजी तौर ते महाराज दीपचंद ऊजा सिंध सभा ऐं कांग्रेस जे प्लेटफॉर्म तां ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिनियूं।
1931 में जॾहिं ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो 28वीं सालियाना इजलास कराचीअ में थियो त आदरबाब कमेटीअ में महाराज दीपचंद ऊजा ऐं शेवा राम ॾियोनमल वज़ीराणी खज़ानची तौरु मुक़ररु कया हुआ। अॻवाननि जे उन वक़्तु निकितल ग्रुप फोटूअ में महाराज दीपचंद ऊजा बि नज़र अचे थो। उन इजलास खां पोइ जल्दी महाराज दीपचंद ऊजा अलाह खे प्यारो थियो। दीपचंद ऊजा जो नंढो भाउ महाराज सुखराम दास ऊजा हिकमत सां लाॻापियल हो। हिकमत संदन ख़ानदानी पेशो हुई। ही असुल ठटे जा रहंदड़ हुआ। बाद में कराची अची खारे दर वारे इलाइक़े में रहिया। महाराज सुखराम दास जो शफाखानो कराचीअ में मैरी वेदर टावर जे वेझो लक्ष्मीदास स्ट्रीट में हूंदो हो ऐं ख़ासि कर सिल जे इलाज जो माहिर। केतिरा ई वेद ऐं हकीम उन खां तालीम कराइण ईंदा हुआ ऐं सिंधी वैदिक इलाज जो वॾो ॼाणो। सन 1931 में जॾहिं महाराज सुखराम दास हिकमत जी डिग्री हासिल कई त कराची वासियुनि संदसि मान में हिकु अजाणी हुई, जंहिंमें शरीक माण्हुनि कराची में वधंदड़ सिल जी बीमारीअ ते ॻणिती ज़ाहिर कई हुई। इन्हीअ मर्ज़ ख़िलाफ़ ॿिन्ही भाइरनि जी ख़िदमतुनि जी साराह बि कई वई हुई। इन्हीअ मौके ते महाराज सुखराम दास ऊजा संदसि सरगुआसी भाउ महाराज दीपचंद ऊजा जे नाले सां हिकु सिलगर सेनिटोरियम क़ाइमु करण जो ऐलान कयो। भाउ जी यादगिरीअ में 50,000 ऐं पंहिंजे सरगुआसी पुट प्रभुराम सुखराम दास ऊजा जी यादि में 5,000 रुपया ॾियण जो ऐलान कयो ऐं इन्हीअ कम खे अॻिते वधाइण लाइ दी आयुर्वेद ट्यूबरक्यूलोसिस रिलीफ एसोसिएशन जे क़याम जो पिणु ऐलान कयो। इन्हीअ एसोसिएशन पारां दीपचंद ऊजा सिल घर लाइ हिकु मैनेजिंग कमेटी जोड़ी पई, जंहिंजो सदर उन वक़्त जे कराची म्यूनिसिपलिटीअ जे मेयर जमशेद मेहता खे मुक़ररु कयो वियो। कमेटी इन्हीअ सिलसिले में सिंध हुकूमत खे ज़मीन लाइ लिख पढ़ शुरू कई, पर सिंध जे बम्बई खां धार वारी तहरीक करे 8 सालनि खां पोइ सिंध असेंबलीअ में अलाबख़्श सुमरे जी वज़ारत खाइण खां पोइ कमेटीअ खे ज़मीन मिली। दीवान नहल चंददास ख़ासि दिलचस्पी वरिती ऐं सूखड़ी तौर देह सफ़ूरा में 100 एकड़ ज़मीन कामेटीअ खे इन कम लाइ अलाट कई। देह सफ़ूरा में 16 जून 1939 ते सिंध हुकूमत जे इंजीनियरिंग खाते जे वज़ीर दीवान नहलचंद दास सेनिटोरियम जे पीढ़ जो पथर रखियो। जीअं त इन सिल घर लाइ महाराज सुखराम दास ऊजा 55,000 रुपया ॾेई चुको हो, तंहिं करे सिल घर जो नालो संदसि भाउ जे नाले महाराज दीपचंद की ऊजा सेनिटोरियम रखियो। जेकी नंढा घर या यूनिट ठाहिया विया आहिनि उन्हनि मां अॼु बि 15 खां 20 मौजूदु आहिनि। हिकु कमरे वारनि यूनिटनि में किचन स्टोर लैटरिन ऐं ॿिनि पासे खां वरांडो आहे। इहे यूनिट हिक ॿिए खां परे परे ठहियल आहिनि। हिन वक़्तु बि वॾनि शाही निम ऐं पेपरनि जे वणनि सां ढकियल आहिनि। इन्हनि क्वार्टरनि ते हिकु नंढो संगमरमर जो बोर्ड लॻल आहे, जंहिं ते जंहिं सरंदी वारे चंदो ॾिनो हुनजो नालो ऐं जंहिंजी यादगिरीअ में हिन चंद ॾिनो हो उन जा नाला लिखियल। इन मज़मून वसीले वस वारनि खे वेनती आहे त बचियल यूनिटनि ऐं पुराणे इस्पताल वारी बिल्डिंग जी हिफ़ाज़त करे 70 सालनि जी तारीख़ खे महफ़ूज़ कयो वञे त इहो तारीख़ जे शागिर्दनि ते वॾो अहसान थिए।